आज इस वीडियो में आपको बिहार के एक ऐसे लड़के से मिलवाने जा रहे हैं जिसके कारनामे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर हम गया के एक ऐसे लड़के के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी उम्र महज 10 साल है, लेकिन कारनामे बड़े बड़े कर दिखाया है जिससे आपका सिर भी चकरा जाएगा। इतनी कम उम्र में वह योगा में बिहार स्टेट चैंपियन है। योगा में 150 से अधिक योगासन पर महारत हासिल है और इस नन्हे चैंपियन के करतब को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इतनी कम उम्र में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर अभी तक 7 मेडल भी ला चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गया के बोध गया के रहने वाले रुद्र प्रताप सिंह के। रुद्र मूल रूप से जहानाबाद जिला के खड़का गांव के रहने वाले हैं और उनका पूरा परिवार पिछले 12 साल से बोध गया में रह रहे हैं। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं 10 साल का हूँ। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम राकेश कुमार सिंह हुआ और मेरा ग्राम खड़का है और मैं जिला जहानाबाद का रहने वाला हूँ और मैं बोध गया में पढ़ने के लिए रहता हूँ और मेरा हॉबी है स्केटिंग और योगा और आर्चरी। कितने योग कर लेते हैं? मैं 150 आसन कर लेता हूँ, योग कर लेता हूँ। इसमें धनुरासन, गरुड़ासन, चक्रासन, बहुत सारे आसन होते हैं, वृक्षासन, और एडवांस में तो ट्विस्टिंग पोज, गैंडा वरुणासना हो गया, हैंड स्टैंड बिच्छिकासन, बहुत सारे पोज आते हैं। अच्छा, ये मतलब कि कब से शुरू किए हैं? मेरी योगा का शुरुआत 2020 से हुआ है और उस समय लॉकडाउन भी चल रहा था और सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था, ठीक है। उसी कारण सभी को पता था कि कोरोना सबको होगा, क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं हम सभी का शरीर रहेगा, जब तक हम लोग स्वस्थ रहेंगे, जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, योग करेंगे, तब हमें कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है। और कोरोना को लेकर तो योगा बहुत ज़रूरी था, तो मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया योगा को लेकर कि योगा करो। और उसी समय आयुष मंत्रालय के द्वारा क्यूट योगा चैलेंज चैंपियनशिप भी हुआ था, मैं विनर भी बना हूँ इंडियन लेवल पे। और मुझे एक ऐसा मोटिवेशन मिला उस समय से कि मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज मैं बिहार का स्टेट चैंपियन भी हूँ। अपना नाम बताओ। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह हुआ और मेरे पिताजी का नाम राकेश कुमार। रुद्र प्रताप सिंह ने योगा की शुरुआत फिट रहने के लिए किया था, लेकिन आज वह योगा में बिहार स्टेट चैंपियन है और अभी से ही नेशनल और ओलंपिक की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसने 7 साल की उम्र से ही योगा की शुरुआत की थी। पिता राकेश कुमार सिंह ने इन्हें योगा की सलाह दी और घर में योगा शुरू किया। रुद्र अपने पिता से ही योगा सीखे और उसके बाद सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। इनके पिता ही इनके गुरु और कोच हैं। रुद्र के पिता का बाइट। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है और मैं जहानाबाद जिले का रहने वाला हूँ। मेरा ग्राम खरका हुआ और मैं बोध गया में बच्चों को पढ़ाने के लिए रहता हूँ। एक्चुअली जो रुद्र है 10 साल का है, मेरा बेटा है, और योगा में ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलना चाहता है और भारत का नाम रोशन करना चाहता है। और मैं एक कोच तो नहीं हूं, लेकिन इसके साथ आज ट्रेनिंग देते देते कोच बन गया हूं। मैंने इसको मोटिवेट किया था लॉकडाउन में 2020 में कि योगा करना चाहिए, योगा करने से तुम स्वस्थ रहोगे, और वो फिटनेस को लेकर मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन देखते ही देखते 3-4 महीनों में इतना अच्छा योगा करने लगा कि ये क्यूट योगा चैलेंज जो आयुष मंत्रालय के द्वारा करवाया गया था उसमें पूरे इंडिया लेवल पर ये गोल्ड मेडलिस्ट रहा, फर्स्ट पोजिशन लिया। तो उस दिन से हम सभी मोटिवेट हो गए, रुद्र भी मोटिवेट हुआ और लगातार आज योगाभ्यास जारी है अभी तक। और 2022 का ये स्टेट चैंपियन भी है बिहार का योगा में, और अभी तक ये पूरा नेशनल और स्टेट लेवल मिलाकर 8 मेडल लगा चुका है, जिसमें इसका 7 गोल्ड मेडल है और 2 सिल्वर मेडल है, 7 गोल्ड मेडल है और 1 सिल्वर मेडल है। और साथ ही साथ प्रयास अभी जारी है और ये योगा के क्षेत्र से पूरे विश्व में अपना पहचान बनाना चाहता है और भारत का नाम गौरव करना चाहता है। राकेश कुमार सिंह, और मैं जहानाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ, ग्राम खरका मेरा गांव हुआ, और मैं रुद्र के साथ बोध गया में इसे पढ़ाने के लिए रहता हूँ।
2020 लॉकडाउन के दौरान ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन क्यूट योगा चैलेंज हुआ, जिसमें रुद्र ने भाग लिया और इन्होंने प्रथम स्थान पाया। इसके बाद रुद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब से लेकर अभी तक कई चैंपियनशिप में भाग ले चुका है और साथ मेडल लाकर अपने जिले और परिवार का नाम रोशन किया है।